गोयनकास की एक्साइटमेंट आज है डबल। तभी तो देखिए ना, रात के 12 बजे घुप अंधेरे में ये सारे सिंघानिया हाउस पहुंच गए हैं। इनकी तैयारियां देखकर तो आप सभी समझ ही गए होंगे। जी हाँ, ये सारे घर वाले अपने जूनियर गोयनका यानी के कायरव के बर्थडे को वेलकम करने की तैयारियां करके आए हैं, वो भी रात के ठीक 12 बजे। लेकिन ये सारी एक्साइटमेंट, ये खुशी उड़न छू हो जाती है जब नायरा कायरव के साथ नहीं बल्कि अकेले ही आती हैं। क्या हुआ कायरव? उसे नहीं लाए तुम? उसकी तबीयत ठीक है? और रोज थोड़ी देर की देर तो जाता है, वो बर्थडे की एक्साइटमेंट तो हमें है। बच्चा तो बेचारा अपने समय पे सो गया। बेचारा कायरव, उसे क्या पता कि उसके पापा, दादा दादी, बड़ी दादी, वंश, ये सब कितने एक्साइटेड थे उन्हें बर्थडे विश करने के लिए। वैसे कायरव के साथ कार्तिक का भी बर्थडे है। कायरव तो सो गए, लेकिन कार्तिक का बर्थडे सेलिब्रेशन तो बनता है ना। छोटे किट्टू के चक्कर में हम अपने बड़े किट्टू का जन्मदिन तो थोड़ी देर के लिए भूल ही गए। कायरव से मिले बिना जाने का कार्तिक का दिल नहीं है, लेकिन क्या करें, सुबह उठकर घर में पार्टी की तैयारियां भी तो करनी है। चलो कार्तिक बेटा, कल सुबह उठ के भी बहुत सारे काम करने हैं। चलो। हाँ बाबा, चलते हैं हम लोग। और कल सुबह जैसे ही कायरव उठेगा तुम सीधा उसे उस घर में ले जाओ। ओके, ना नहलाओगी ना धुलाओगे, कुछ भी नहीं, उसका ब्रेकफास्ट भी वहीं पर होगा। ओके। अगले दिन सुबह सवेरे कार्तिक एक बार फिर सिंघानिया हाउस पहुंच जाते हैं, वो भी ढेर सारे गिफ्ट्स और बलून्स लेकर। 5 साल में पहली बार कार्तिक अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं, और इस बार कार्तिक पिछले 5 सालों की हर कसर पूरी कर लेना चाहते हैं। नायरा, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ, कितना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सबसे पहले तो ये यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सच है, मेरे और मेरे बच्चे का बर्थडे सेम डे पर, वाओ, और वो भी हम दोनों साथ में सेलिब्रेट करने वाले। कुछ नहीं हुआ मुझे, ओके, फाइन, बिग डील, मेरा मेरे बच्चे का बर्थडे सेम डे पे। भाई, लगता है कि कायरव से मिलना कार्तिक के लिए अभी भी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जाने से पहले कार्तिक नायरा को गले भी लगाते हैं और थैंक यू भी बोलते हैं। अच्छा नायरा, कायरव आए तो प्लीज बोल देना मुझे बात। ओके? चलिए हम नायरा के पास चलते हैं और जानते हैं कि कार्तिक ने उन्हें जाने से पहले थैंक यू क्यों बोला। कार्तिक ने कुछ प्लान किया हुआ है और उन्हें ही करना था, और नायरा ने क्वेश्चन नहीं करती है। नायरा उन्हें यही कहती है कि आपको जो करना है जैसे करना है, तुम्हारा बेटा है तुम करो और मैं तुम्हारा साथ दूंगी उसमें। तो अभी भी कार्तिक नायरा की हेल्प मांग रहे हैं, पर नायरा को पता ही नहीं है कि उसे मतलब होने क्या वाला है। तो वो कार्तिक से एक बार कहती भी है कि तुम्हें मेरी हेल्प तो चाहिए लेकिन मुझे प्लान नहीं बता रहे हो, पर सपोर्ट पूरा चाहिए। इट्स अ वेरी नाइस मोमेंट। और वहीं पर कार्तिक जाते जाते नायरा को हक करते हैं, उन्हें थैंक यू बोलते हैं, और वो समझ जाती है वो थैंक यू किस लिए बोलते हैं, क्योंकि उन्हें ये बात पता है कि नायरा वॉज इन पेन फॉर वॉज इन लेबर फॉर 17 आवर्स, पर फिर भी उन्होंने सिजेरियन ना करवा के यू नो नॉर्मल किया बेबी, और वो भी सेम डेट पे। तो ही इज़ वेरी हैप्पी कि कार्तिक और कायरा मतलब दोनों का बर्थडे सेम डेट पे आता है। लेकिन नायरा, शायद इस बात का एहसास आपको अभी नहीं हुआ है कि कायरव कार्तिक से नाराज है, और एक ये रीजन भी हो सकता है कि वो आज नीचे नहीं आए। कायरव उससे पहले से कार्तिक से नाराज होते हैं, मतलब हमें ये बात नहीं पता है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनके पापा की वजह से उनकी मम्मा हैं जो बहुत सैड हैं, और ये चीज़ उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और धीरे धीरे करके जो भी होता है घर पे, जो भी कस्टडी और डिवोर्स का मैटर चल रहा था, लॉयर्स का घर पे आना और कार्तिक और नायरा के बीच में यू नो आर्ग्यूमेंट्स होना, तो कहीं ना कहीं से उन्हें ये बात पता चलती ही रही थी। तो जिस वजह से उनके डाउट्स जो है वो और क्लियर हो रहे हैं, और दशहरा में ऑब्वियसली जो होता है कार्तिक से कायरव को डांट पड़ती है, उसकी वजह से कायरव उनसे बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं और वो उनसे बहुत ही डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहते हैं, लाइक उनसे दूर दूर भाग रहे हैं। कार्तिक, आप कायरव से अभी तक मिल नहीं पाए हैं, लेकिन डबल सेलिब्रेशन की एक्साइटमेंट भी डबल है। मी, कार्तिक, कायरव और मोहसिन तीनों का बर्थडे आ रहा है। We are all very excited. ये भी लग रहा है कि बच्चे के सामने ज़्यादा बच्चे न लगे, ऐसा ना लगे कि मेरा बच्चा मुझे बोले कि मेरे पापा है,
तो वो कहते भी है नायरा को कि मैं ज़्यादा तो बच्चा नहीं लग रहा हूँ. तो नायरा अंडरस्टैंड दिस, पहली बार अपने बच्चे के साथ बर्थडे मना रहे आफ्टर एवरीथिंग व्हाट हैपेंड, क्योंकि बच्चे की तबीयत शुरू में खराब होती है. तो ही इज वेरी क्लोज टू हिज सन नाउ. वैसे कार्तिक, क्या आपको ये पता है कि कायरव भी आपसे नाराज है? आई थिंक गुस्से में ना वो पूरे कार्तिक पे ही गए, क्योंकि कार्तिक, क्योंकि नायरा का थोड़ा अलग होता है गुस्सा. जब वो गुस्सा होती है तो वो चिल्ला के बता देती है गुस्सा हो रही है वो है. कार्तिक जो है वो थोड़े से चुप हो जाते हैं और दूर हो जाते हैं. जिनसे गुस्सा होता है वो अपने आप को अलग कर देते हैं. आई थिंक कायरव जो है वो इस मामले में अपने पापा पे गए. कार्तिक, आपको नहीं लगता कि गुस्से के मामले में कायरव अपने पापा पर गए हैं? एक्चुअली हाँ, बट कार्तिक उतना नहीं समझ पा रहे कि वो क्यों इतने नाराज है, लेकिन ही अंडरस्टैंड्स कि ऑब्वियसली डांट दिया है सबके सामने और वो थोड़े से रो बैठे हैं. 5 साल का बच्चा और कार्तिक, बिकॉज ही इज सो इनसिक्योर रिलेटेड टू हिज किड, यू नो, क्योंकि इससे पहले कभी थे नहीं और अब डर है कि वो कब चले जाएंगे वापस, उनकी मॉम तो ना ले जाए, तो वो सारा डर भी है अब. तो आई थिंक दैट इज वाई वो ज़्यादा ही चल रहा है. भाई कायरव तो है नाराज, भले ही कार्तिक अभी इस बात से हो अनजान, लेकिन हमें तो ये देखना है कि जब कार्तिक के सामने कायरव की नाराजगी का राज खुलेगा, तब सीनियर किट्टू अपने जूनियर किट्टू को कैसे मनाएंगे. मुंबई से अपर्णा द्विवेदी की रिपोर्ट, E24.